पुरैनी प्रखंड का प्रखंड कृषि कार्यालय निर्माण के अभाव में खंडर में तब्दील हो रहा है। सरकारी निर्देश के बावजूद कर्मियों की लापरवाही के कारण 5 साल बाद भी प्रखंड कृषि कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य अधूरा है। 50 लाख की लागत से बनने वाली ई किसान भवन बदहाली के आंसू बहा रहा है। दरअसल किसानों की सुविधा के लिए इस भवन का निर्माण किया जा रहा था, जो 2014 से 2015 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया और आखिरकार भवन के बाहर ताला लगा दिया गया। ई किसान भवन नहीं होने से कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ किसानों को भी काफी परेशानी होती है, लिहाजा किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी से इस भवन के निर्माण कार्य को फिर से शुरू कराने की गुहार लगाई है। क्या स्थिति है? पुरैनी में हम लोगों का किसान का भवन जो बहुत दिनों से अधूरा है, बीओ साहब को से मिलते हैं तो वो भी अच्छा सकारात्मक जवाब नहीं लिखते हैं ना सुनते हैं, और यहाँ का किसान को यदि बन जाता तो हम लोग को रहने में वहाँ पर किसान को बैठने में सभा सोसाइटी करने में मना अच्छा होता, लेकिन अभी तक वो अधूरा पड़ा हुआ है। किसान का एक भी समस्या मन बहुत उसमें निदान होता, लेकिन सब नहीं बन रहा है। हाँ, पुरैनी प्रखंड के लिए किसान भवन के लिए हम लोग मांग किए कृषि पदाधिकारी से, जो अधूरा पड़ा हुआ उसको संचालित करने के लिए। कितने दिनों से अधूरा है? करीब रखिए 5 साल से अधूरा है। वहीं ई किसान भवन नहीं बनने पर जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में किसान भवन निर्माण की जिम्मेदारी जिला परिषद के जिला अभियंता को दी गई है, लेकिन अब तक पुरैनी में भवन निर्माण नहीं होने पर जांच की कार्यवाही की जाएगी। मधेपुरा जिला अंतर्गत 13 प्रखंड है, जिसमें 12 प्रखंड में हमारा ई किसान भवन बन चुका है और संचालित भी किया जा रहा है, लेकिन पुरैनी ही सिर्फ एक ऐसा प्रखंड है जहां ई किसान भवन अभी आधा अधूरा है। इसके लिए 14-15 वित्तीय वर्ष में ही जिला परिषद के माध्यम से और जिला अभियंता के द्वारा इसका कार्य किया जाना था, जिसका भुगतान भी हो चुका है। लगभग प्राकलित राशि इसकी 50 लाख के करीब है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं किया गया है और इस संबंध में हम लोगों ने पुनः जिला परिषद को पत्र दिया है। बहरहाल 5 साल के बाद भी पुराने के किसान कृषि भवन के लिए परेशान है, तो आधिकारिक कार्यवाही के बदले अब तक की जांच की बात की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संबंधित अधिकारी कब तक जांच पूरी करते हैं और दोषी पर कार्यवाही हो पाती है। पंजाब केसरी के लिए मधुपेरा से राजीव की रिपोर्ट।